हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लव जिहाद की। प्रदेश में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। आगामी बजट सत्र में सरकार लव जिहाद कानून को लेकर एक ड्राफ्ट विधानसभा में पेश करने वाली है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने लव जिहाद कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आगामी विधानसभा सत्र में उसे पेश भी कर दिया जाएगा। वहीं इस दौरान राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस तो हमेशा देश के बंटवारे की बात ही करती है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर विज बोले कि कोरोना के मामलों को लेकर अब सरकार ने सख्त रवैया अपनाने का मन बना लिया है। विज ने कहा कि प्रदेश में मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने हरियाणा में भी ये जो लव जिहाद के ऊपर धर्म परिवर्तन कानून है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसी बजट सत्र में उसको विधानसभा के सामने पास कराने के लिए पेश किया जाएगा। एक कांग्रेस पार्टी के विभाजनकारी नीतियों का प्रकटीकरण है। 1947 में कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाया। 1984 में सिखों का कत्लेआम करवाया और अब ये उत्तर और दक्षिण के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। नहीं, हम लोगों के ऊपर मास्क लगाना अनिवार्य है और उसके ऊपर हमने अधिकारियों को आदेश दिए कि सख्ती करें।